फगवाड़ा च वड्डी गैंगवार 30 बदमाशां वल्लों हमला एक कतल कई जख्मी पंजाब च फिर तो एक वड्डी गैंगवार देखण नूं मिली आ जिथे एक कतल ते कईआं दे जख्मी होण दी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस मिल के पंजाब च गैंगस्टरां समेत बदमाशां दी धरपकड़ च लगी हुई है, पर फिर भी इन्हां वल्लों वारदातां नूं लगातार अंजाम दिता जा रहा है। ताज़ा मामला फगवाड़ा तो सामने आया है जिथे 30 दे करीब बदमाशां ने हमला किया जो अपने नाल तेज़ धार हथियार ते वड्डी गिणती च असला लैके पहुंचे सी। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेसनल यूनीवर्सिटी के लॉ गेट कोल खड़े नौजवानों से 30 के करीब हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हाथों में तेजधार हथियार और पिस्तौल सन, उन्होंने उत्थे गोलियां भी चलाईया। इस हमले में एक नौजवान जिसकी पछाण हरप्रीत सिंह वासी सिंहपुरा वजो हुई है उसकी मौत हो गई है, जदों की हमले में दो नौजवान जख्मी हो गए हैं। हमले में जख्मी होया अर्जन सिंह राणा जो कि फगवाड़ा के सिविल हस्पताल दाखिल है, उसने दसा कि वह उसका भरा हरप्रीत और दोस्त सौरव अपने दोस्त मनी छड़न लई दूसरे PG जा रहे थे। वह लॉ गेट कोल खड़ा सी। इस दौरान करीब 25 तो 30 नौजवान बाइक से सवार होकर आए। सारे के हाथों में तेजधार हथियार सन, आते ही उन्होंने हमला कर दिता। इस हमले में जख्मी हरप्रीत को जलंधर के एक निजी हस्पताल में ले जाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने दसा कि उसके भरा हरप्रीत के सिर पर तेजधार हथियारों नाल वार किया गया। वह उत्थे एक जूस बार में काम करता सी। अर्जन सिंह राणा ने दसा कि उन्होंने हमला करने वाले व्यक्तियों च मनोहर, रोशन, साबा, अभिषेक और होर अणपछाते व्यक्ति शामिल सन। इन्हों रोशन हमेशा पुलिस वाले नाल घूमता रहिंदा है। रात को भी हमले तो बाद पुलिस की कार विच ही चला गया सी। उन्होंने उसनू भी पुलिस की गड्डी च पा के ले जाण की कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया गया है, बदमाशों नूं हुण जल्दी काबू करन दी गल कीती गई है। सो ये जी इस समय की वड्डी क्राइम अपडेट। मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल, उदों तक जुड़े रहो चैनल PMA न्यूज़ के नाल।